सिलचर में चुनाव ड्यूटी में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया है। प्रशासन की इजाजत के बगैर लगभग 2000 सुरक्षा कर्मी वापस अपने घरों की ओर रवाना होने लगे हैं। अपने बकाया बोनस और रहने खाने की सही सुविधा न मिलने से नाराज सुरक्षा कर्मी अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं। होमगार्ड के इन जवानों को विभिन्न जिलों से सिलचर में चुनाव ड्यूटी में तैनात किया गया था। कल यानी 1 अप्रैल को यहाँ वोटिंग है। उधर नाराज होमगार्ड के जवानों का आरोप है कि उनके लिए रहने और खाने की पर्याप्त सुविधा नहीं है, ना ही इनके बकाए का भुगतान किया गया है। जवानों का आरोप है कि इस मामले में जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक से किसी तरह का सहयोग नहीं मिल पाया है। दूसरी ओर जवानों के इस तरह ड्यूटी छोड़कर अपने घरों की ओर लौटने से जिला प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई है। तो बता रहे आज की अहम खबर, सिलचर में चुनावी ड्यूटी में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया है। प्रशासन की इजाजत के बगैर लगभग 2000 सुरक्षा कर्मी वापस अपने घरों की ओर रवाना होने लगे हैं। अपने बकाया बोनस और रहने खाने की सही सुविधा न मिलने से नाराज सुरक्षा कर्मी अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं। होमगार्ड के इन जवानों को विभिन्न जिलों से सिलचर में चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात किया गया था। कल यानी 1 अप्रैल को यहाँ वोटिंग है। नाराज होमगार्ड्स के जवानों का आरोप है कि उनके लिए रहने और खाने की पर्याप्त सुविधा नहीं है, ना ही इनके बकाए का भुगतान किया गया। उधर जवानों का आरोप है कि इस मामले में जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक से भी किसी तरह का सहयोग नहीं मिल पाया है। दूसरी ओर जवानों के इस तरह ड्यूटी छोड़कर अपने घरों की ओर रवाना होने से जिला प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। মানে এটো হচ্ছে গৃহরক্ষী বাহিনী জওয়ানর কোনো মানুষ মান মর্যাদার নাই, মানে আমার কোনো মানে মানে কইছো না আমি মানে এনে জিয়াই আছো আর আপনি চিন্তা কর আজির দিন 300 টাকা তো জুড়ে নেই বারো আপনি নিজে ব্যবস্থা আমি ইলেকশন ডিউটি করবলে আইছো নিশ্চয় আমি ইতালে ইলেকশন ডিউটি আমি হাজু হয়ে আছো কিমান কষ্টরে আহিছো কিন্তু আমার মানুষ বলে গণ্য করা নাই। আমি যেতে নাকি ভাত খাবলৈ গৈছে এস পি স্যারে লৈ গৈছে তেতিয়ালৈকে আমার মানুষ বলে করে নাই। ইলেকশন ডিউটি মারিব আইছো এতিয়ালৈকে আমি রেডি আছো, ইলেকশন মারিমি আমি ইলেকশন বর্জন নকরো, পাইব আমার এটা পাব লাগে অসুবিধা, কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাক চাওক এস পি স্যারটো বাদে ও সি স্যার বাদে কোনোবা কনস্টেবল আমাক খুঁজিবলৈ অহা নাই। और इस खबर पर हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सिलचर से हमारे संवाददाता विक्रम सरकार। विक्रम, सबसे पहले जानना चाहेंगे फिलहाल वहां की स्थिति कैसी है, काफी नाराज दिख रहे हैं ये सभी होमगार्ड। अभी भी यहां पे नाराजगी कायम है। 2000 से ज्यादा जो होमगार्ड के जवान आए थे यहाँ पे, कल शाम से ही उन लोगों का ये जो गुस्सा है वो उमड़ पड़ा है। उनका ये कहना है कि उनको सही तरीके से ना खाना मिला ना रहने का जगह मिला। वो बाहर अलग आसाम के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, गोलाघाट से आए हैं, डिमाहासाव से आए हैं और कई कई जगहों से आए हैं। उनमें से जो ताजा अब हमारे पास खबर है कि कल रात से लेकर अभी तक कल कुल 500 से लेकर 600 जो होमगार्ड कर्मी है वो लोग ऑलरेडी रिटर्न हो चुके हैं, चले गए हैं और यहाँ पे कुछ रह गए हैं। बहुत ही एक चिंता का विषय है क्योंकि कल ही आने वाले कल 1 तारीख को यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, दूसरे चरण की मतदान यहाँ पे होगी और उससे पहले ही ये जो पूरी घटना घटी है वो बहुत ही चिंताजनक है। और ये भी कहना लाजमी है कि कल जब ये लोग होमगार्ड के जो जवान है वो खाने गए थे तो होटल के तरफ से उनको शायद खाना नहीं मिला, तो वहां पे भी तोड़फोड़ मचाई गई थी। उसके बाद नेटरिफ जहां पे रखा गया है उन लोगों को, जो जहां से सातों जो विधानसभा क्षेत्र है जहां पे सबको डिप्लॉय किया जा रहा है, कल 3 जगह पे डिप्लॉय किया गया, आज 4 जगहों पे डिप्लॉय करना बाकी है। कल ही शाम को देर शाम को वो ये जो पूरी जो दस्ता था 2000 से ज्यादा जो होमगार्ड के दस्ते थे वो लोग प्रोटेस्ट मार्च करते हुए रात को सिलचर रेलवे स्टेशन पे आके रुकते हैं।
वहाँ पे उन लोगों का जो गुस्सा है पूरा उमड़ पड़ता है और ये यही डिमांड कर रहे थे बार बार कि हम लोगों का खाना पीना अच्छे से हो, लेकिन उनका ये भी कहना है कि प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से उनके तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दी गई। दुलमुनी जी विक्रम, जैसा कि बताया जा रहा है कि सिलचर प्रशासन की तरफ से भी कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, यहां तक कि पुलिस अधीक्षक की तरफ से भी कोई कदम नहीं उठाया गया है, और एक तरफ जहां ये जवान वापस लौट रहे हैं, क्या इन्हें रोकने के लिए किसी तरह का कदम नहीं उठाया गया है? देखिए, हम लोगों ने बार बार जो यहाँ के अध्यक्ष हैं पुलिस अध्यक्ष भंवरलाल मीना आईपीएस, उनके साथ संपर्क साधने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे साथ अभी तक हमारे कॉल को या हमसे मुलाकात उनकी नहीं हुई है, वो नहीं कर रहे हैं। जो सूत्र बताते हैं कि अन्य पहले चरण की जो इलेक्शन हुई थी तो उनको एक राशि दी गई थी जिनसे उन्होंने 15 दिन वो चले थे, लेकिन यहाँ पे वो राशि को कम करके 300 रुपए उनके हाथ में दिया गया, और इनका यही कहना है कि 300 रुपए से कुछ होता नहीं है, ना खाना होता है ना पीना होता है, वो खा पी नहीं सकते हैं, उनको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है, अच्छे से उनको घर रहने के लिए जगह भी नहीं मुहैया करवाई गई, और जो प्रशासन अभी तक हमने देखा नहीं है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई आए अभी तक इनको सेटल डाउन करने की कोशिश की, लेकिन हमारे जो होमगार्ड के तरफ से जो जितने सूत्र हैं, जो आला अधिकारी के सूत्र हैं, ये बता रहे हैं कि पूरी कोशिश जारी है कि उन लोगों को रीसेटल किया जाए, क्योंकि कल ही चुनाव है और इतनी बड़ी तादाद में अगर फोर्स चली जाती है तो ये एक बहुत चिंता का विषय हो जाएगा। हमने कोशिश की थी एसपी से बात करने की कि एसपी कॉल नहीं उठा रहे हैं, और प्रशासन की तरफ से भी अभी तक ऐसा कोई बयान आया नहीं है कि उन लोग क्या स्टेप लेने वाले हैं इनको रोकने के लिए, और काफी संख्या में लोग चले भी 500 से ज्यादा लोग चले गए हैं, तो हम समझ सकते हैं कि इतने सारे जो बूथ्स हैं 1834 पोलिंग स्टेशंस हैं, इनको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमने कल ही देखा था जब मुख्यमंत्री का सभा चल रहा था, जो आखिरी सभा था सुनाई में, उसके दौरान भी वहाँ पे एक घटना घटित हुई, किसी दूसरे पार्टी के जो कुछ लोग हैं उन्होंने जो प्रचार गाड़ी है उस दूसरे पार्टी की बीजेपी की उसको तोड़ दी थी, और तभी जब वहाँ पे सीएम भाषण दे रहे थे सुनाई कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हालांकि वहाँ पे केस दर्ज की गई है, उसी दौरान ये जो पूरी घटना है उधरवन क्षेत्र के नेट्रिप एरिया में, जो कछा डिस्ट्रिक्ट में आता है नेट्रिप में, जहाँ पे इन सबको रखा गया था, वहाँ पे भी ये घटना घटित हुई है, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, और जल्द से जल्द चाह रहे हैं प्रशासन को और इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। दुलमुनी जी विक्रम, जैसे कि आपने कहा कि कल चुनाव है, कल मतदान होने हैं, और इस तरह से अगर होमगार्ड या इतनी बड़ी तादाद में सुरक्षाकर्मी वापस लौट रहे हैं कल के लिए, तो फिर किस तरह की मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? कल फिर इन जवानों को किस तरह से तैनात किया जाएगा, क्योंकि वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को वहां तैनात किया गया था? जी हाँ दुल्लीमुनी, जो पैरामिलिट्री फोर्स है अतिरिक्त सुरक्षा बल, वो लोग को ऑलरेडी वहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं। हालांकि फोर्स जो है, जैसा कि लास्ट टाइम जब एसपी ने ब्रीफ दिया था तो 69 से 70 फोर्सेस को यहाँ पे लाया गया है, उनमें से एक होमगार्ड की भी, जो होमगार्ड का भी जो दस्ता है उसे भी लाया गया था, और पुलिस की माने तो अति संवेदनशील और संवेदनशील अगर पोलिंग स्टेशन पकड़े तो 32 से ज्यादा है, तो उसके लिए भी उनको कड़ा कदम अपनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर भारी मात्रा में लोग चले जाते हैं तो संभालना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे, और कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन, जो कछार की पुलिस प्रशासन है, ये उनकी भी लापरवाही हम अगर कहें तो कह सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को पहले ही सुलझा देना चाहिए था, इलेक्शन से एक दो दिन पहले ही सुलझा देना चाहिए था। अभी 11th आवर हो गया है और लोग भी काफी इससे थोड़े क्या इसमें थोड़े कंफ्यूज हैं और थोड़े सहमे हुए भी हैं, क्योंकि ये जो पूरी घटना सिलचर में घटी है इसको लेके भी लोग काफी टेंशन में हैं, चिंता में हैं, और यही कह रहे हैं लोग कि पुलिस प्रशासन को, अपने फोर्सेस को, क्योंकि अभी ये होमगार्ड के डिपार्टमेंट अभी पुलिस के अंडर में आता है और इलेक्शन कमीशन इसको पूरा देखता है, तो ये पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन का ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व था कि इनको पहले ही ये जो जितने भी प्रॉब्लम्स है पहले ही सेटल डाउन कर ले, क्योंकि आखिरी एन मौके पर ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग मोड हो जाता है कि आप फिर से यहाँ पे कितने
संख्या में इतनी जल्दी यहाँ पे ला सकते हो, क्योंकि तीसरे चरण की भी मतदान की समय आ ही रही है सामने। जी बिक्रम, एक आखिरी सवाल यहाँ आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरह से इन होमगार्ड्स का आरोप है कि उन्हें ना तो सही तरीके से रहने और खाने की सुविधा मिल रही है और ना ही बकाया उन्हें मिल रहा है, किस वजह से ऐसी मुश्किलें पैदा हुई हैं, किस वजह से इस तरह की स्थिति पैदा हुई है? दुगुमुनी, कहीं ना कहीं तो चूक हुई है, अगर क्योंकि पुलिस प्रशासन की तरफ से चूक हुई है या उनके ही कुछ अंदरूनी कुछ लीडर्स हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं जो होमगार्ड के जो या फ्रंट पे फेस में खेलते हैं उनके तरफ से हुई है कुछ प्रॉब्लम, वो कहना अभी के समय में ठीक नहीं रहेगा। लेकिन दूसरे जगहों पे जब पहले चुनाव मतदान हुआ था वहां पे उन लोगों की कोई तकलीफ नहीं हुई थी, उनको जो बकाया था उनका दिया गया था, रहने खाने का भी पूरा बंदोबस्त किया गया था। लेकिन कछार जो पुलिस प्रशासन है वहां पे थोड़ी लापरवाही देखी गई थी। हालांकि हमने देखा है जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो स्टेप लिया है कि सर्वाइलेंस के अंदर में रखने का, हर जगह पे सबको खाना या रहने का मुहैया करवाया जाए, वो हुई थी। लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से तो लापरवाही हुई है, इसमें कोई दोराह नहीं है। इसीलिए अगर लापरवाही नहीं होती तो शायद आज ये सिचुएशन ऐसा नहीं होता। हमने बहुत बार कोशिश की थी एसपी से बात करने की, लेकिन हमसे उन्होंने अभी तक कोई बात या उनका कोई बयान आया नहीं है अब तक। और ये बहुत ही क्रिटिकल एक सिचुएशन है, क्योंकि कल ही इलेक्शन होने वाला है और जल्द से जल्द इसको अगर वो लोग आज ही कुछ ही देर में नहीं सुलझाते हैं तो और भी ज्यादा मुश्किलें खड़ी होने वाली है। दुलुमुनि, शायद और भी बड़ी तादाद में जो होमगार्ड हैं, अभी तक 500 से 600 वो लोग चले गए हैं और जो 1400-1300 बाकी हैं उनकी भी जाने की पूरी गुंजाइश है।